दूसरी जो प्रॉपर्टी है जल की, जो जीवन प्रभावित करती है, वो है उसके अंदर उपस्थित केमिकल, रासायनिक घटक। ये रासायनिक घटक वहां उपस्थित वनस्पति यानी कि प्लांट्स और वहां उपस्थित जंतु, उनके उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ना, उनसे प्रभावित होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक चीज देखी गई है कि जल में प्राकृतिक रूप से जो लवण है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और इसके अतिरिक्त आयरन और दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो ट्रेस एलिमेंट्स हों चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, सबके सब अलग अलग मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। उनमें से एक है सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, जो लिमिटिंग फैक्टर की तरह भी काम कर सकता है ना। अब इन एलिमेंट्स के कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स जो होते हैं और दूसरे तत्वों के अल्प मात्रा में उपस्थित जो मात्रा है, वो प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी मात्रा हर जल में एक सी नहीं होती, ये हर जल में अलग अलग होती है, चाहे वो एक से दूसरा पॉन्ड क्यों ना हो, चाहे वो एक से दूसरी लेक क्यों ना हो, ये स्थान स्थान पर डिफर करता है और इसको प्रभावित करने वाले दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। जो फ्रेश वाटर प्लांट्स है उनके लिए जो नाइट्रोजन का जो मेन सोर्स होता है वो होता है अमोनिया या नाइट्राइट। ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इस प्रकार की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन को इस प्रकार के रूप में ला देते हैं नाइट्राइट के रूप में कि वो प्लांट्स उसको यूज कर सके। फास्फोरस की बात करें तो ये अधिकतर लिमिटिंग फैक्टर के समान कार्य करता है। अगर अपन आयरन की बात करें तो ये पादपों में ग्रोथ प्रमोटिंग एलिमेंट होता है, जो या तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के रूप में होता है जैसे फेरस ऑक्साइड, या फिर सल्फर के कंपाउंड्स में होता है जैसे फेरस सल्फाइड। इस रूप में आयरन रहता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। अपने को पता है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम और आयरन। जब तक वो नहीं होंगे प्रचुर मात्रा में, जब तक प्लांट्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अपने को इकोलॉजी के साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का या प्लांट रेस्पिरेशन का, उसके अंदर जब आप गहराई से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स की जो आवश्यकता है, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो कोई दूसरा एलिमेंट हो, वहां पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग जाती है। तो ये एक रॉ मटेरियल है ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लांट्स के अंदर। तो नेचुरल प्लांट्स जब प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगे तो ही वहां पे एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए इन एलिमेंट्स की जो प्रेजेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एक और चैलेंज आता है जलीय जंतुओं के लिए विशेषकर, कि पानी फ्रेश वाटर की बात हो रही है, फ्रेश वाटर में क्या होता है कि सैलिनिटी कम होती है, लवणता कम होती है एनिमल की बॉडी की तुलना में। तो क्या होता है कि जल जो होता है वो लगातार एक एनिमल की बॉडी में प्रवेश करता रहता है, सेल्स के अंदर एंटर करता रहता है। तो उस जल को शरीर से निष्कासित करने के लिए कोई ना कोई एक ऑस्मोरेगुलेटिंग मैकेनिज्म, एक परासरण नियमन क्रियाविधि, वो फ्रेश वाटर एनिमल के शरीर में वो फंक्शन रहती है, वो क्रियाशील रहती है और उसके माध्यम से जंतु न केवल शरीर के अंदर जल की मात्रा का नियमन करते हैं बल्कि उत्सर्जन भी करते हैं। तो यहाँ पर उत्सर्जन और परासरण नियमन, जिसको अपन अंग्रेजी बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ये क्रियाएं निरंतर और परस्पर एक साथ चलती रहती है फ्रेश वाटर एनिमल्स, चाहे आप फ्रेश वाटर अमीबा ही ले लो, चाहे आप एक दूसरा फ्रेश वाटर एनिमल ले लो, उनके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, शरीर के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो अधिक हैं जल की तुलना में, बाह्य जल की तुलना में। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का नियम याद रखो, आप जल लगातार शरीर में प्रवेश करेगा और उस जल को निकालना जरूरी है, अगर वो निकालेंगे नहीं तो क्या होगा, वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे के अंदर क्या है, उस जल को लगातार शरीर से निकाला जाना आवश्यक होता है, तो ये क्रिया कहलाती है ऑस्मोरेगुलेशन। अलग अलग जंतु चाहे वो मछलियां हो, अलग अलग विधियों से शरीर से इस जल को, एक्स्ट्रा वाटर को निकालती रहती हैं, सॉल्ट को अपने अंदर रख लेती हैं। इस तरह की क्रियाएं ऑस्मोरेगुलेटरी क्रियाएं कहलाती हैं, वो जलीय जंतुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खासतौर से फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर, है ना। मैरीन एनिमल्स में दूसरे चैलेंजेस आते हैं, वो अपन जब पढ़ेंगे, जब अपन मैरीन हैबिटेट को पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर बायोटा की बात करते हैं तो इसमें प्रोड्यूसर्स के रूप में अपने को पता है एल्गी है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स यही हैं।
उसके अलावा कंज्यूमर्स की बात करें तो समस्त प्रकार के जंतु आ जाता है इसके अंदर। जंतुओं के लार्वा भी इसी में शामिल हैं। जंतुओं में आप अगर अपन शामिल करना चाहें तो प्रोटोजोन्स हैं, कीट हैं, जलीय कीट, क्रस्टेशियंस और उनके लार्वा, मोलस्क, फ्रेश वाटर मोलस्क, एनालिट्स, रोटीफर्स, एक छोटा फाइलम है रोटीफेरा। ये अगर आपने एनिमल डायवर्सिटी अच्छे से पढ़ रखी है तो एक फाइलम पढ़ते हैं आप एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज बेसिकली एक सुपर फाइलम है, उसके अंडर में पांच फाइलम आते हैं जिसमें से एक है निमेटोडा, एक है ये सामने लिखा आपके रोटीफेरा, तो रोटीफेरा के जंतु कहलाते हैं रोटीफर्स इस प्रकार से, और तीन फाइलम आते हैं वो भी सारे जो है जलीय जीव होते हैं। इसी प्रकार से हेलमिंथ्स एस्केलमेंथीज के दूसरे सदस्य, उभयचरी, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग्स और सारी मछलियां, ये सारे कंज्यूमर्स की श्रेणी में आ गए। डिकम्पोजर्स जो होते हैं बेसिकली बॉटम में रहते हैं, पानी के पैने में रहते हैं, और ये खास तौर से कौन होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। फ्रेश वाटर की बात हो रही इस टाइम, है ना। जलीय आवास में जो मोड ऑफ लाइफ है, ये दूसरा पॉइंट शुरू हो गया यहां से, जो जीवन का प्रकार है उसके आधार पर अपन जीवों को निम्न प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब एक नाम आपके सामने फ्रीक्वेंटली आएगा, बेंथिक एनिमल या बेंथोस। बेंथिक एनिमल्स या बेंथोस या इस प्रकार के जीव कहते हैं, जीव होते हैं बेंथोस जो कि पानी के पैने में बॉटम में पाए जाते हैं। अब ये ऐसे होते हैं या तो स्थानबद्ध रहेंगे किसी कठोर सतह से चिपके रहते हैं जैसे कि पत्थर, या फिर होते हैं बिलकारी, पानी के पैने में भी बिल बना के रहने वाले, अपनी जान सुरक्षित रखने के लिए रात में पानी की सतह पर आ जाते हैं और दिन में वापस से पानी की गहराई में चले जाते हैं। इस प्रकार की जीवनचर्या दर्शाते हैं ये जंतु, या पानी के पैने में रेंगने वाले जंतु, ये इस प्रकार के जंतु होते हैं। प्रकाश की प्रेजेंस इनके लिए कोई जरूरी नहीं होती, लाइट की अवेलेबिलिटी इनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि रहते ही पहने में लाइट जितनी मिल जाए उतनी ठीक है, तो लाइट की इनकी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इवन डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी अगर पानी के पैने में आप चले जाए तो सरफेस वाटर की तुलना में कम ही होगी, तो ये कम ऑक्सीजन वाले जल में रहने के लिए भी अनुकूलित होता है। ये होते हैं बेंथिक एनिमल्स। अब इसमें टिपिकल एग्जांपल वैसे तो अपन इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे ब्लड वर्म है, एनालिट्स, स्मॉल क्लैम्स है ना, बाइवाल्व शेलफिश, ये मोलस्क है, मछली नहीं है, इट इज ए मोलस्क है ना, शेलफिश मोलस्क को कहते हैं अपन, बाइवाल्व या, तो उसके जो सदस्य हैं उनके उदाहरण है क्लैम्प्स। तो ये बेंथिक श्रेणी में आते हैं, अर्थात पानी के पैने में मिलेंगे, बॉटम में मिलेंगे, रेंगने वाले होंगे, बिल बनाने वाले होंगे, आधार से चिपके रहने वाले होंगे। फिर आते हैं दूसरी श्रेणी पेरिफाइटॉन। पेरिफाइटॉन मीन्स ऐसे जंतु जो कि रूटेड प्लांट्स के पार्ट्स पे चिपके रहते हैं, जैसे कि उनके तनों पे या उनकी पत्तियों पे या किसी और भाग पे वो जंतु जो है उसके आसपास चिपके मिलेंगे अपने को। और ये जंतु उनके उदाहरण है पॉन्ड स्नेल्स, डैमसल फ्लाई, निम्फ्स, ये आर्थ्रोपोड है उसका सदस्य है डैमसल फ्लाई, इसका जो निम्फ है, निम्फ का मतलब है जुवेनाइल, उसका नवजात, लार्वा नहीं कह सकते अपन इसको, ये निम्फ है ना, उसका जुवेनाइल स्टेज, उसके क्या कह सकते हैं ना एक बच्चा, वो वाली स्टेज है निम्फ, वो वाली स्टेज मिल जाती है। रोटीफर्स दोबारा यहाँ पे मिल सकते हैं, फ्लैटवर्म्स, चपटे क्रमिक प्लेटियल मेंथीज के सदस्य, ब्रायोजोन्स, ये भी एक छोटा फाइलम है जलीय जंतुओं का, ब्रायोजोन्स वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये तो आप सबने पढ़ रखा विस्तार से हाइड्रा, ये भी इसी श्रेणी में आता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफाइटॉन। ये क्या करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से अटैच रहता है। कंटिन्यू करेंगे इसको। यदि अपन फ्रेश वाटर बायोटा की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले जो प्लैंकटॉन्स हैं उसको अपन इस तरह से देख सकते हैं कि ये पानी की सतह पर तैरने वाले जीव जंतु हैं जिनका मूवमेंट यानी कि इनकी गति बेसिकली वो डिटरमाइन करती है वाटर करंट, यानी कि पानी जिस दिशा में बहेगा, ये जंतु इतने हल्के हैं, ये जीव इतने हल्के हैं कि पानी की दिशा के साथ ही उसी दिशा में बहने लग जाते हैं या तैरने लग जाते हैं, है ना। इनका खुद का इतना क्या कह सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग स्विमिंग कैपेसिटी नहीं होती कि ये अपने तैरने की दिशा जो है स्वयं तय कर सके, तो पानी के करंट के साथ ये फ्लो करते हैं। ये प्लैंकटॉन्स दो तरह के हैं,
यदि पादप की श्रेणी में तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि अपन ने कई बार डिस्कस कर लिया, सबसे बड़ी है एल्गी, डायटम्स इसी श्रेणी में आते हैं जो फोटोसिंथेटिक जीव है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स, और दूसरे हैं एनिमल स्पीशीज, तो ये कहलाएंगे फिर जूप्लैंक्टन्स। अभी जूप्लैंक्टन अपने आप में एक बड़ी टर्म है, इसमें कई उदाहरण है जिसमें से मैंने एक दो का नाम लिखा, जैसे कोपीपोड्स हैं, ये छोटे आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि पानी की सतह पर तैरते मिल जाते हैं, रोटिफर्स हैं, ये एगुही जंतु, इसको ना एसीलोमेट एनिमल्स हैं, एस्केलेंथिस के सदस्य हैं, मोस्टली ये मछलियों पर परजीवी के रूप में या दूसरे जंतुओं पर परजीवी के रूप में भी मिलते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्राकोड्स हैं, ये ऑस्ट्राकोड्स बेसिकली है क्रस्टेशियंस, जिनको अपन सामान्य भाषा में बोल देते हैं मसल श्रिम्प्स, ठीक है। तो ये जलीय जंतु इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं जो कि पानी की सतह पर रह के पानी की धारा के साथ ही फ्लो करते हैं, इनके अंदर तैरने में तो सक्षम होते हैं लेकिन तैरने में इतनी ताकत नहीं होती कि अपनी दिशा खुद तय कर सकें। आपको ये एग्जांपल्स लर्न करना है, देखिए इनके नंबर मिलते हैं एग्जाम्पल। दूसरी श्रेणी है जलीय जीवों की, वो कहलाते हैं नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये तो अपनी मर्जी से तैर नहीं सकते जिधर चाहे, ये वो है जो अपने मर्जी से अपनी तैरने की दिशा तय कर सकते हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण है इसके अंदर फिशेज। एम्फीबियंस भी देखिए, फ्रॉग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पानी के अंदर जो है पानी की दिशा के विपरीत तैर सके, तो ये जो है वो इसी श्रेणी में आ जाता है। तो पानी की बहने की दिशा इनके तैरने की दिशा निर्धारित नहीं करती, ये अपनी तैरने की दिशा स्वयं निर्धारित अपनी इच्छा से ये तैरने की दिशा तय कर लेते हैं। तो ये नेक्टॉन्स जो होते हैं ये अपनी इच्छा से अपनी दिशा तय कर लेते हैं, और मोस्टली इसमें आ जाती है फिशेज। अपन फ्रॉग्स को यहां पर नहीं रख सकते, ध्यान रखना। प्लैंकटॉन तो हल्का जीव है, सतह पर तैर सकता है, ठीक है। तो नेक्टॉन फ्रॉग एक तरह का यूं कह सकते हैं आप, ये एक जगह स्थिर रह सकते हैं फ्रॉग्स, वो इस श्रेणी में नहीं आए। नेक्टॉन में तो आ जाता तैरने वाले। फिर आते हैं न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन में ऐसे जीव जो जल की सतह पर कॉलोनी बनाकर स्थिर या गतिमान रह सकते हैं, फ्रॉग तो वह चलिए, ठीक है। ये ऐसे हैं जैसे वाटर बीटल्स, पानी की सतह पर जो होते हैं ये समूह हजारों लाखों की संख्या में एक साथ ये इस प्रकार से मिलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट, तैरने वाले पादप, ये कहलाते हैं न्यूस्टॉन। ये कॉलोनी बनाकर या तो गतिमान या अधिकतर ये स्थिर रहते हैं एक जगह पर, ठीक है, गति भी कर सकते हैं, ये कहलाते हैं न्यूस्टॉन। बेसिकली ये वो टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ये डिक्शनरी के अंदर आपको टर्म्स एक एक लाइन में, दो दो लाइन में इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण मिल जाएंगे। ये अपन एक्वेटिक इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लिम्नोलॉजी को आप पढ़ने वाले हो तो उसके अंदर ये टर्म्स काम में आएंगे, इसलिए इनको जानना जरूरी है। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा इनके लिए कि प्लैंकटॉन क्या होता है, नेक्टॉन क्या होता है, न्यूस्टॉन क्या होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी का मतलब है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की स्टडी से संबंधित विज्ञान है, उस विज्ञान का नाम है लिम्नोलॉजी, जिसमें अपन बेसिकली पढ़ेंगे पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में, ठीक। अपन देखते हैं लैक्टिक इकोसिस्टम्स को, जिसमें आ जाते हैं स्टैंडिंग वाटर की बॉडीज जैसे कि लेक्स और पॉन्ड्स, बेसिक चीजें हैं ये सारी, आपसे एमएससी लेवल पे कोई नहीं पूछेगा लेकिन बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको मेरे को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये लेक्स, लेक्स किसे कहेंगे, पॉन्ड किसे कहेंगे। लेक का आकार एक छोटे पॉन्ड से लेकर सैकड़ों स्क्वायर माइल तक का हो सकता है, जबकि पॉन्ड क्या है, स्टैंडिंग वाटर की शैलो यानी कि उथली बॉडी होती है, इसमें पानी की गहराई उतनी नहीं होती जितनी लेक की होती है। इसमें रूटेड प्लांट जो होते हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसमें रूटेड प्लांट जो होते हैं बहुत इजीली ग्रो नहीं करते, वो सिर्फ किनारे पर होते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसकी डेप्थ का, ये कुछ फीट से लेके 5000 फीट तक की गहराई तक हो सकती है, लेकिन पॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि जो प्रकाश यहां तक पहुंच सकता है उस आधार पर लेक्स के अंदर तीन स्पष्ट जोन है, लिटोरल जोन, लिमिनेटिक जोन और प्रोफंडल जोन, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता प्रोफंडल, जबकि जो पॉन्ड होता है वो केवल लिटोरल और लिमिनेटिक जोन तक ही सीमित रहता है नॉर्मली। ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत मान लेना इसकी इंपॉर्टेंस कम है, इंपॉर्टेंस दोनों की अपनी अपनी अलग अलग जगह बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है,
पॉन्ड्स को अपन इकोसिस्टम के अध्ययन हेतु एक उपयुक्त स्थल मानते हैं। अभी जितनी भी स्टडी कर रहे हैं एक आर्टिफिशियल या एक नेचुरल पॉन्ड में की भी स्टडी होती है, चाहे वो किसी भी एंगल से देखें, किसी भी स्टडी को अपन देखें। तो एक प्रैक्टिकली अपने पास में एक टूल है, एक औजार है इकोलॉजी को स्टडी करने का, पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड के साथ में क्या है कि इसकी लाइफ हो सकती है कुछ वीक की हो, कुछ महीने की हो, कुछ वर्ष की हो, उसके बाद ये समाप्त हो जाए। कई कई पॉन्ड्स ऐसे हैं जो हजारों वर्ष से जीवित हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। लेक्स के केस में ज्यादातर ये देखा गया है कि ये आइस एज से चली आ रही है, यानी कि जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उस समय से ये चली आ रही है, अर्थात ये काफी पुरानी होती है। ज्यादातर लेक्स जो होती है वो नेचुरल है, जो पहाड़ों के बीच का जो स्थल है या ऐसा स्थल जिसके आसपास सब जगह एक बड़ी ऊंची बाउंड्री है पहाड़ के रूप में, उसके बीच में एक बड़ी लेक डेवलप हो जाती है वाटर बॉडी के रूप में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस और भी हैं लेकिन अपन यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो उस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में अपने को स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी एक मैरीन हैबिटेट या एक ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं ना, स्थिर नहीं रहती, वो कंडीशंस बदलती रहती हैं। तो डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा मिलेगी आपको, मैरीन इकोसिस्टम में या ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में ज्यादा मिलेगी। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम मिलती है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम में अपन लेक्स और पॉन्ड्स को पढ़ रहे हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज पॉन्ड्स एंड लेक्स, जहां पर अपन दो चीजें देखेंगे, जोनेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो टिपिकली एक लेक या पॉन्ड को हम जिन क्षेत्रों में बांट सकते हैं वो आप पढ़ चुके हो। पहला है लिटोरल जोन, यह किनारे का वो क्षेत्र है जो जमीन से सीधा संपर्क में रहता है, यहाँ पे रूटेड वेजिटेशन उपस्थित होती है और इनमें दूसरे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मेनली एल्गी वगैरह वो भी उपस्थित होते हैं। ये उस गहराई तक फैले रहते हैं जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बराबर हो सकती हैं या बराबर हो जाती है। मींस जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, ये इकोलॉजी की भाषा में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर होने का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहां पर पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं। तो प्रोड्यूसर्स तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन मिलेगा, एल्गी और दूसरे रूटेड प्लांट्स। ठीक है, बेंथिक प्लांट्स यानी कि सतह पर तैरने वाले जिनकी जड़ें मतलब बॉटम पे रहती हैं वो, और दूसरे हैं फाइटोप्लैंकटॉन्स या फ्लोटिंग ग्रीन प्लांट्स, कमल वगैरह इस तरह के दूसरे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो मिल जाएंगे, और मेनली एल्गी रहती हैं जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं काइजन भाई, वो एल्गी तैरती रहती है वहां पर। ये प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कंज्यूमर्स की श्रेणी में कौन आएगा, यहाँ पे वैरायटी है, बहुत ज्यादा विभिन्नता है जूप्लैंकटॉन्स की, इतनी जबरदस्त है कि अपन उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रकार के पॉन्ड में हर प्रकार के लेक में एक से जो है जंतु नहीं मिलते, उसके अंदर बहुत ज्यादा डायवर्सिटी होती है। ये जो जूप्लैंकटॉन्स है ये प्लांट्स के साथ में अटैच रहते हैं, और इनमें उदाहरण कौन कौन से हैं, मेनली हैं क्रस्टेशियंस जैसे कि डेफनिया, साइमोनसफेरस, कोपीपोड्स, ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। कुछ एक स्पीशीज हैं जो कोपीपोड्स की भी हैं, ये भी एक प्रकार के आर्थ्रोपोड्स हैं। मेन फैमिली ऑफ मैनी फैमिली ऑफ ऑस्ट्रोपोड्स, ये एक क्या कह सकते हैं ना जलीय जंतुओं का समूह है ऑस्ट्रोपोड्स, जिनको अपन बेसिकली ये है सारे आर्थ्रोपोड्स के डेरिवेटिव, उसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। अलग अलग जंतु हैं, सब जंतुओं के नाम नहीं लिख सकते इसलिए जंतु समूह को लिखा जाता है, जैसे अपन लिखा क्रस्टेशिया तो क्रस्टेशियंस, इस तरह से कोपीपोड्स, कोपीपोडा एक समूह का नाम है, उसके जंतु कहलाएंगे कोपीपोड्स। तो इनके एक जंतु का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि उसी कई स्पीशीज हैं, इसलिए सिर्फ समूह का नाम लिखा जाता है, कोपीपोड्स, ऑस्ट्रोपोड्स है ना, क्रस्टेशियंस, ये यहाँ पे कंज्यूमर्स की श्रेणी में पाए जाते हैं। और साथ साथ रोटीफर्स, जैसा मैंने बताया था ये एगुही जंतु हैं, सुडो
सिलोमेट्स वाली कैटेगरी में आते हैं प्रोटीफर्स। नेक्टॉन्स, नेक्टॉन मतलब तैरने वाले ऐसे जंतु, आप सब जानते हैं मछलियां, कछुए, जेली स्रब, टोड्स, फ्रॉग्स, फ्रॉग के जो टेटबो लार्वा है, कीट, कीट कौन से डिप्टेरन कीट्स उनके लार्वा, एडल्ट हेमिप्टेरन ये भी कीट है जैसे एफिड्स, इनके वायरस ये यहाँ पे मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, ये एल्गी और दूसरा जो प्लांट मेटेरियल है उसको खा लेते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। ये कैसे हो गए, हीटरोट्रॉफ्स। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में आप कंटिन्यू करेंगे।